वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर टू की तैयारी करते हैं इस चैनल पर, इस बार आपके लिए क्लासेस थोड़ी कम आई हैं, क्योंकि आपको पता है मैम की जो है यूपी पुलिस एएसआई की जो है वो ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग अब बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाली है, तो इससे आगे जो सीटेट आएगा उसमें तो हम प्रॉपर अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन इस बार भी आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल थी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से टॉपिक वाइज सीरीज़ देख सकते थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी भी वहाँ पर आपको मिल जाती। ये क्लास जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम टैग वर्ड्स देखने वाले हैं जो आपकी पैडागॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पैडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टैग वर्ड्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है, और मैं पूरा मान के चलती हूँ अगर पैडागॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप इन टैग वर्ड्स की वजह से क्या होगा इजिली सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। तो ये 2011 से जो 23 तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स जो हैं जो मैंने निकाले हैं वो हैं, तो इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। पूरा अच्छे से इन टैग वर्ड्स को जो है माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो साइंस पेपर टू पैडागॉजी के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैग वर्ड्स हैं वो होने वाले हैं, जिससे आपको जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी को उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको साइंस पेपर टू के लिए नोट्स चाहिए आगे के लिए, और सारे प्रीवियस ईयर विद आंसर्स चाहिए, टॉपिक सीरीज की पीडीएफ के आंसर्स और शॉर्ट समरी जो कराई उसकी पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी रिविजन करने के लिए। आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411662115। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको जो नोट्स हैं सारी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो पैडागॉजी के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन 100% आपका पैडागॉजी में बनना है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि साइंस का नेचर क्या होता है, विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। चार ऑप्शन दे देगा, कोई निगेटिव पॉइंट पूछ लेगा या उन चार ऑप्शन में से कोई पॉजिटिव पॉइंट पूछ लेगा कि बताइए साइंस विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखेंगे साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान सीखने का अंतक विषयक क्षेत्र है, ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है लर्निंग का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है साइंस के नेचर का। उसके बाद साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थाई है, बिल्कुल बात सही है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है साइंस में जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो साइंस जो होती है वो हमेशा टेंटेटिव होती है, हमेशा स्थायी होती है, ये भी एक विज्ञान की क्या होती है प्रकृति होती है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, ये जो साइंस होती है संदेहवाद को बढ़ावा देती है, चीज़ों को लेकर संदेह बना रहता है। जैसे आप खुद भी देखते होंगे जब मैं आपको कराती हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट कुछ कॉन्सेप्ट में लगता होगा, तो साइंस जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देती है, इसमें संदेह बना रहता है। तभी क्या होता है साइंस में जो है डिबेट, ये जो होते हैं कॉज और जो इफेक्ट हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर संदेह जो है बना रहता है, ये भी एक विज्ञान की क्या है प्रकृति है, नेचर है। उसके बाद साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, सीधी सी बात है विज्ञान जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हमारा विज्ञान जो है वो बनता है, उसकी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है, क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल चीजें करते हैं, खुद से करते हैं, चीजों को समझते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये भी एक विज्ञान की प्रकृति है कि साइंस क्या है, ये इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। साइंस कैन बी प्रूवन थ्रू एक्सपेरिमेंट, देखिए साइंस की जो नॉलेज है, विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान जो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा टीचर डेमो करके दिखाता है लेबोरेटरी में, चीजों को प्रूव कर दिखाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। उसके अलावा विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, साइंस इज़ अ सोशल एंडीवर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे, ये भी विज्ञान की प्रकृति में आता है, समाज को लेकर चलता है, समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, हेल्थ का इशू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कनेक्ट होती हैं, तो साइंस इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। साइंस इज़ अ सोशल एंडीवर, तो ये सामाजिक उद्यम है साइंस जो है, ये यहाँ पर विज्ञान की प्रकृति के अंदर आता है। साइंटिफिक नॉलेज इज वैल्यू न्यूट्रल, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो मूल्य उदासीन होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम किसी पक्ष की तरफ झुके हुए होते हैं। जैसे अगर कोई आपका कोई जैसे इम्पॉर्टेंट अगर जानने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके पॉइंट्स को ज़्यादा वर्चस्व जो है वहाँ पर देंगे, नहीं, मूल्य उदासीन है, न्यूट्रलिटी जो है वो साइंस में हमें देखने को मिलती है। तो स्पेशली आपको ये याद रखना होगा, साइंस इज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म,
क्रिटिसिज्म, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है ये लर्निंग का, ये सोशल एंडीवर है विज्ञान। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो विज्ञान की प्रकृति के बारे में आपको याद रखने हैं और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखिए साइंस में आकलन होता है, आकलन से क्वेश्चन 100% बनेगा, जिसमें तीन तरह के आकलन होते हैं, तीन तरह के असेसमेंट होते हैं, तीनों मैं समझा दूंगी उनका साइंस में कैसे रोल है। अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम रूपात्मक आकलन कहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हमको ध्यान रखना होगा। देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, पोर्टफोलियो जो होता है, जनरल राइटिंग, फील्ड ट्रिप, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये सारे के सारे किस में आती हैं साइंस में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हम बच्चे का आकलन शुरू से लेके अंत तक करते ही रहते हैं, बीच में भी हम बच्चे का आकलन करते रहते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, वर्णन अभिलेख जिसे बोलते हैं, पोर्टफोलियो हो गया, पत्रिका लेखन हो गया, आजकल स्कूलों में पोर्टफोलियो बनवाए जाते हैं जिसमें बच्चे का डेटा होता है कि उसने कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको देख कर भी टीचर क्या करता है, अवलोकन जो है वो आकलन जो है बच्चों का करता है। जनरल राइटिंग भी होती है जिसमें बच्चा जो है बच्चे के बारे में लिखा जाता है कि उसका करैक्टर कैसा है, वो सब ये सब चीज़ें हो गई। फील्ड ट्रिप पर भी क्या होता है, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट रूपात्मक आकलन करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा है वो बहुत शांत रहता है, तो जब वो फील्ड ट्रिप पर जाएगा तो टीचर को वहाँ आकलन करेगा और दिख पाएगा कि बच्चा बहुत शांत रहता है, तो ये वो आकलन जो बीच बीच में कमियाँ पता चलती रहती हैं और उनको हम दूर भी करते रहते हैं, तो वो सब किस में आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स में ही आती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया, जैसे कॉन्सेप्चुअल गैप है, एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो सारी चीजें उसको लिंक करके समझाई जाती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया। तो ये सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं, ये सारे आपको याद रखने होंगे। अगर जैसे चार ऑप्शन दे दे उसमें लिखा हो एक में एंड टर्म टेस्ट, ये जो एंड टर्म टेस्ट होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रूपात्मक आकलन में नहीं आता, चाहे पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। तो ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो टूल्स हैं ये सारे याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड से देखने को मिलेगा या फिर डाइवर्जेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं ये आपसे देखने को मिलेगा साइंस में। डाइवर्जेंट मतलब खुले सिरे वाले प्रश्न, जब भी ऑप्शन में दिख जाए यदि क्या होगा यदि, व्हाट वुड हैपन इफ, जब इस तरह का ऑप्शन आपको दिखे तो आप समझ जाना वो क्या है, वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुले सिरे वाला प्रश्न है, जिसे ही हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी बोलते हैं, जहां पर बच्चे क्या होते हैं मल्टीपल आंसर देते हैं। जैसे मैं ये बोल दूं कि अगर फ्रिक्शन घर्षण को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, या फिर ऐसे बोल दिया जाए बच्चों से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई तो क्या होगा, जब इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं जहां पर बच्चे सोचेंगे और अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे वो आपके ओपन एंडेड होते हैं, तो हमेशा इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या होगा यदि, व्हाट वुड हैपन इफ, तो इस तरह से आप पहचान जाना क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपको अवलोकन और निष्कर्ष से भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या निष्कर्ष है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि अवलोकन क्या होता है और निष्कर्ष क्या होता है। देखिए जो ऑब्जर्वेशन होती है means the act of carefully watching or examining a person or object when something is happening, जब कोई घटना घट रही है और आप उसे carefully देख रहे हैं, उसे examine कर रहे हैं, जब आपकी इंद्रियां वहां पर काम कर रही हैं। देखिए observation में last में यहाँ लिखा भी है using the sense to gather data, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े जब आप एकत्रित कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, खुद सोच रहे हैं और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको जब आप अपने अंदर गैदर कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। और उससे जो निष्कर्ष क्या है, उससे जो कॉन्क्लूजन निकल कर आया ऑब्जर्वेशन से, वो जो ऑब्जर्वेशन से कॉन्क्लूजन निकल कर आता है वो आपका क्या होता है, वो इन्फ्रेंस होता है, वो निष्कर्ष होता है, हमारे अवलोकनों के आधार पर निकाला गया क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो याद रखेंगे जो आपने देखा है, ऑब्जर्वेशन है, उससे जो एक आपने कॉन्क्लूजन निकाला वो आपका निष्कर्ष होता है। जैसे आपने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो गया एसिड में, ठीक है, फिर बहुत सारे एसिड में आपने टेस्ट करा, तो वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जहां आपको दिख रहा है कि एसिड के केस में क्या हो रहा है, नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जा रहा है। उसके बाद आपने कॉन्क्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल लिया क्या, कि इन एसिड ब्लू लिटमस टर्न रेड, तो वो आपका एक कॉन्क्लूजन निकल कर आ गया ऑब्जर्वेशन से। तो ये आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पूरा, आपसे एक स्टेटमेंट देगा, पूछेगा क्या ऑब्जर्वेशन है, फिर पूछेगा आपसे क्या निष्कर्ष है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर मैसिव लोइंग में करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि परिकल्पना क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन तो अभी मैंने पीछे समझा दिया, निष्कर्ष क्या होता है वो भी पीछे समझा दिया। हाइपोथाइजिंग परिकल्पना करना क्या होता है, ऐसी व्याख्याएँ सुझाना जिनकी जाँच की जा सके, सजेस्टिंग एक्सप्लेनेशन विचार टेस्टेबल। तो जैसे आपको कोई कार्य करना है, कोई एक्टिविटी करना है, तो उसके रिगार्डिंग पहले आपने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करा, पहले चीजों को देखा, उसके बाद आपने अपना दिमाग दौड़ाया, ऐसी व्याख्यान सुझाई आपने जिससे आप क्या कर सकें, फर्दर जो टेस्टिंग आपको करनी है, जो जांच आपको करनी है, वो आप कर सकें। तो ऐसे आइडिया सजेस्ट करना जो हम आगे चल के क्या करेंगे, उन पर टेस्ट जो है हम करेंगे कार्य के दौरान, जब हम इस तरह से कर रहे हैं, तो वो है आपकी परिकल्पना, हाइपोथाइजिंग। उसके बाद आ जाता है प्रिडिक्टिंग, पूर्व अनुमान लगाना, किसी अज्ञात स्थिति के विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना, मेकिंग यूज ऑफ एविडेंस टू से समथिंग अबाउट अनफेमिलियर सिचुएशन। अभी देखिए एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, आपका जो पूर्ण ज्ञान था उस ज्ञान को यूज करते हुए, जो पहले के आपके तथ्य थे उनको प्रयोग करते हुए आप कुछ क्या कर रहे हैं, जो सिचुएशन अभी हो नहीं रही है उसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। मेकिंग यूज ऑफ एविडेंस, आप अपने जो प्रमाण हैं उनका यूज कर रहे हैं। टू से समथिंग, आप कुछ बता रहे हैं अबाउट एन अनफेमिलियर सिचुएशन, जो अभी चीजें हुई नहीं उनके बारे में पहले से ही कुछ बताने की कोशिश करना, वो पूर्ण अनुमान में आपका आ जाएगा। तो परिकल्पना और हाइपोथेसिस में फर्क है। परिकल्पना कार्य से पहले जो है आपको आप बता सकते हैं जब कार्य शुरू भी नहीं हुआ है, और जो हाइपोथेसिस है आपने एक ऑब्जर्वेशन कर ली, फिर जो आप क्रिया कर रहे हैं, एक्टिविटी करें, उसके बीच में जब आप सोचकर बता रहे हैं कोई आइडिया कि हाँ अब हमें ये चीज अप्लाई करनी चाहिए, इसको करना चाहिए, जो सजेशन आप दे रहे हैं वो आपकी परिकल्पना में आ जाएगी। उसके बाद कम्युनिकेशन जो होता है, संप्रेषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे आपको एक एक्टिविटी देगा और बताइए बच्चे का कौन सा कौशल, कौन सा स्किल यहाँ से डेवलप हो रहा है, तो बहुत बार कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है साइंस में, एम टू राइज सिटीजन अवेयरनेस टूवर्ड दूस टॉपिक दैट स्टैम फॉर रिसर्च एंड डेली इम्पैक्ट लाइफ। जैसे बच्चों को क्रिया करने के लिए दी, अपने आसपास हेल्थ, अपने आसपास पानी, अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज, वेस्टेज, ये सारी चीज़ों की जब एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बच्चों से बोला जाता है कि आसपास देखें, अपनी कॉपीज़ में लिखें, तो वहाँ पर क्या जाता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो हमें, संप्रेषण जो है वो देखने को मिलता है। जैसे लिखा भी हेल्थ, फूड सेफ्टी, क्लाइमेट चेंजेस, इस तरह के इशूज़ पर जब एक्टिविटी कराई जा रही है तो याद रखेंगे वहाँ कम्युनिकेशन संप्रेषण हमेशा होता है। कौन सा स्किल वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, संप्रेषण होता है। और कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में आप ये और याद रखेंगे, जब हम रिजल्ट्स को बताने के लिए डायग्राम, ग्राफ और टेबल का यूज करते हैं तब भी वो किस में आता है, याद रखेंगे वो कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में ही आता है। नोट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है, साइंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ओपन माइंडेडनेस, मतलब वही ओपन इंक्वायरी वाला, मतलब मल्टीपल सोच, ओपन माइंडेडनेस, बच्चे को बाउंड नहीं कराया आपने, वो मल्टीपल तरीके से विस्तृत सोच वहां पर वो रख रखा है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साइंस में। क्वेश्चन, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। प्रोसेस स्किल, की किस तरह से आप क्रिया कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या निकल कर आया, मैटर ये करता है कि आप साइंस में किस तरह से क्रियाओं को जो है, एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, नई नई चीजें खोजना, सृजनात्मकता, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं कि बच्चा पीछे बैठा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेंपर, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये सारे के सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साइंस में, और सारे के सारे साइंस के विज्ञान के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट जो है माने जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। देखिए अब आते हैं तीनों टर्म पर, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने जैसा आकलन, जहां पर बच्चा खुद से अपनी कमियों को पहचानता है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर भी रखते हैं कि बच्चे अपनी कमी खुद से, जैसे अपने आसपास के बच्चों से ना जानकर अपनी कमियाँ खुद से पहचान रहे हैं और अपने अंदर खुद से मोटिवेशन ला रहे हैं, तो वो है असेसमेंट एज लर्निंग। उसके बाद दूसरा आता है जो साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन या सीखने के लिए आकलन, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द लेसन, पूरा जो हम क्रिया करा रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक हम बच्चे का आकलन जो है, असेसमेंट जो है वो करते रहते हैं। और याद रखेंगे इसमें फीडबैक जो है वो स्टूडेंट को दिया जाता है, विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिपुष्टि है वो यहाँ पर होती है, और यही साइंस में बहुत बड़ा अच्छा भी माना जाता है। और उसको हम फील्ड ट्रिप, जैसे मैंने बताया था पोर्टफोलियो, ये सारे माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो रचनात्मक आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान में एक तीसरा और आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन या योगात्मक आकलन, जिसमें क्या होता है, हम आकलन करते हैं एट द एंड ऑफ सिलेबस टू चेक वेदर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव। इसमें हम एंड में पाठ्यक्रम के अंत में आकलन हम कर रहे हैं, यह जांचने के लिए जो हमारे उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए या नहीं, जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए या नहीं। जब हम लास्ट में ये कर रहे हैं, लास्ट में असेसमेंट, लास्ट में आकलन कर रहे हैं, जैसे एंड टर्म टेस्ट हो गया, वो सब किस में जाते हैं, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर वो हमारे आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद विज्ञान में आता है मिसकंसेप्शन। देखिए जो साइंस होता है उसमें मिसकंसेप्शन बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चा आसपास जा रहा है, वो नाले के पास से गुजर रहा है और नाले में उसने पानी देखा, पानी का कलर है ब्राउन, तो उसके मन में एक मिसकंसेप्शन हो गया कि पानी का जो कलर है वो ब्राउन होता है, जबकि बुक में लिखा है कि पानी क्या है, पानी तो उसकी प्रॉपर्टी में लिखा है कि पानी तो कलरलेस है। तो ये मिसकंसेप्शन है, जो उसने देखा वो उसने मान लिया। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साइंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की जिज्ञासा, नए नए आइडियाज जो हैं वो इन मिसकंसेप्शन से ही निकल कर आते हैं। तो लर्नर के जो मिसकंसेप्शन होते हैं इन साइंस टॉपिक टेंड टू बी स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं, वो भ्रांतियां जो होती हैं, ये कैसी होती हैं, ये स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं, और ये रेजिस्ट टू चेंज होती हैं, इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, ये परिवर्तन विरोधी होती हैं। टीचर्स को बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करानी पड़ती हैं, तब जाकर वो बच्चे का मिसकंसेप्शन दूर होता है, वरना बच्चे इन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं। जैसे बच्चे ने मान लिया कि वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने यही देखा है, वो अपने आसपास यही देख रहा है, लेकिन उसको स्विमिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखना होगा, बुआंड फोर्स है, जितना पानी वो हटाएगा नीचे से बुआंड फोर्स लगेगी और वो तैर पाएगा। तो जब टीचर, ये उसके स्थायी है, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, टीचर को एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी, तब जाकर बहुत टाइम बाद बच्चे का ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होता है। तो ये समझ में आया मिसकंसेप्शन साइंस में किस तरह से रोल प्ले करती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लॉ और थ्योरी से, जो आपके नियम और सिद्धांत होते हैं। देखिए जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरलाइजेशन होते हैं, सारे पॉइंट समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉज होते हैं वो सामान्यकरण होते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जबकि जो थ्योरीज होती हैं वो एक्सप्लेनेशन होती हैं। पूरी व्याख्यान जहाँ पर हो रही है वो थ्योरी है। जब मैंने ऐसे बोल दिया कि न्यूटन के थर्ड लॉ में अगर मैं देखूँ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, तो वो क्या है, वो लॉ है। लेकिन जब मैं पूरी व्याख्यान कर रही हूँ घटना की, तो वो क्या है, वो थ्योरी होती है, वो सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा लॉ इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल इवेंट, जो इवेंट घटे हैं उनमें जो रिलेशनशिप, उनसे जो कंक्लूजन निकला, उसका जो स्टेटमेंट है वो लॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम एज इट इज बन जाता है। डैश इज अ स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल इवेंट, नियम अवलोकित घटनाओं के संबंधों का विषय के कथन है, संबंधों के विषय के कथन है, अवलोकित घटनाओं में संबंध के विषय का कथन अगर आपसे पूछे कौन है, तो वो आपका लॉ होता है, नियम होता है। जबकि सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, इज एन इनफ्रेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट, जबकि सिद्धांत अवलोकित घटनाओं का निष्कर्षित व्याख्यान है, जो घटना घट रही है उसकी जो निष्कर्षित डिटेल में जो व्याख्यान है वो वहाँ पर आपकी थ्योरी होती है, लेकिन उससे जो रिलेशनशिप बनाकर एक स्टेटमेंट बना वो आपका क्या होता है, लॉ होता है। देखिए जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, इनको चेंज करा जा सकता है, क्योंकि तो एक्सप्लेनेशन है, ज़रूरी थोड़ी है फिर बाद में उसको जब टेस्ट गया तो देखा गया वो गलत भी हो सकती है ना, जो देखा वो बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, वो है थ्योरी, लेकिन उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं।
तो ये साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं और टेस्ट हो सकती हैं फॉर देयर इनकरेक्टनेस, जबकि जो लॉज होते हैं कैन नॉट बी चेंज इजिली, लॉ इजिली चेंज नहीं होते, क्योंकि वो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है एक जनरल स्टेटमेंट वहाँ पर आता है, तो लॉ चेंज नहीं होते इजिली, थ्योरीज जो हैं वो इजिली चेंज हो सकती हैं। तो ये लॉ और थ्योरी के बारे में क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, कॉग्निटिव वैलिडिटी साइंस में क्या होता है, संज्ञानात्मक वैधता जो होती है वो विज्ञान में क्या होती है। इसका मतलब विज्ञान में ये होता है सिलेबस जो है वो करिकुलम जो है शुड बी एज अप्रोप्रिएट, बच्चे की आयु के अनुरूप ही पाठ्यक्रम जो है वो होना चाहिए, और अडेप्टिंग करिकुलम एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि सिक्स क्लास के बच्चे को हमने एट क्लास का सिलेबस दे दिया तो वहां पर किसका वायलेशन होगा, कॉग्निटिव वैलिडिटी का, संज्ञानात्मक वैधता का वायलेशन होगा, क्योंकि ये कहती है कि जो सिलेबस है जो करिकुलम है वो बच्चों की आयु के अनुरूप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुरूप होना चाहिए। तो क्लियर हुआ कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या है। उसके बाद बहुत क्वेश्चन बने हैं किससे, एनालॉजी से, जिसे हम तुल्य रूपता कहते हैं, किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए अन्य उदाहरण से उसकी तुलना करना, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बाई कंपेयरिंग इट विद सम फैमिलियर एग्जाम्पल, तो वो क्या होता है, वो आपकी एनालॉजी होती है, तुल्य रूपता होती है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है और उसको समझाने के लिए मैं किसी और अदर एग्जाम्पल से उसको समझा रही हूँ तो वो क्या है, वो तुल्य रूपता है, एनालॉजी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट, जो बैटरी होती है वो जल परिपथ में पंप की तरह होती है। तो बैटरी को समझाने के, बैटरी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने पंप जो है, पानी वाला जो पंप है उसका उदाहरण दिया, तो वो है आपकी एनालॉजी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तुल्य रूपता। उसके बाद देखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है साइंस में। देखिए डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, व्हेन टीचर बिगेन विद एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, जब टीचर ने आके जैसे कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर दिया, जैसे टीचर ने बता दिया आके ये मेटल होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज आके बता दी, ऐसे मेटल हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद टीचर कह रही है चलो आइडेंटिफाई करो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो एक्टिविटी बाद में हो रही है, पहले टीचर ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो वो है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। और इंडक्टिव अप्रोच जो होती है ये निगमनात्मक होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निगमनात्मक बोलते हैं डिडक्टिव को। और इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, टीचर जो है अभी बच्चों को लेगा शुरू में और उनको एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कराएगा और बाद में जाकर कॉन्सेप्ट जो है वो उनको बताएगा। जैसे यहाँ पर है मतलब एक क्वेश्चन बना था, जैसे टीचर ने बोला कि वो एक एग्जाम्पल दे रही है कि लाइक वाटर इवेपोरेट, पानी जो है वो भाप बनता है, मिल्क इवेपोरेट, मिल्क भी वाष्पीकृत करता है, ऑयल जो तेल है वो भी इवेपोरेट होता है। तो वहाँ पहले टीचर ने क्या करा, ये एग्जाम्पल दी, उदाहरण दी कि पानी वाष्पित होता है, मिल्क इवेपोरेट होता है, ऑयल इवेपोरेट होता है, और फिर उससे एक कॉन्सेप्ट बताया टीचर ने क्या, ऑल लिक्विड इवेपोरेट। फिर वहाँ से एक निष्कर्ष निकला, एक कॉन्सेप्ट बताया कि जो सारे लिक्विड हैं वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट, जो वाष्पन है वो वहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर पहले टीचर ने स्टेटमेंट बताया होता और फिर एग्जाम्पल दे रही होती तो वो डिडक्टिव होता। ये क्लियर हुआ आपको। देखिए इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल गैप, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में होता है किसी टॉपिक को लेकर, तो उसको हम कैसे दूर करते हैं, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। वहाँ पर हम मानचित्रों का, जो संकल्पना मानचित्र हैं उनका वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे ये टॉपिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ और दूसरी चीज़ पता है, तो मैं उसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए इस टॉपिक का जो मिसकंसेप्शन है, सॉरी जो गैप है, वो मैं वहाँ पर दूर करूँगी। कैसे यूज़ करते हुए, कॉन्सेप्ट मैप का जो है वहाँ पर प्रयोग करते हुए, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है वो एक लीनियर प्रोसेस में नहीं चलती, वैज्ञानिक खोज एक रेखीय प्रक्रियाएं नहीं है। जैसे हम बताते हैं कि साइंस में कुछ भी स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, आपको कहीं पहुंचना है, कोई चीज़ खोजनी है तो आप किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 2022-23 में बहुत क्वेश्चन बने डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल पर, निर्भर परिवर्ती या चर या फिर नियंत्रित परिवर्ती। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं
विच दैट आर वेरिएबल बींग टेस्टेड और मेजर ड्यूरिंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जिन वेरिएबलों का हम टेस्ट करेंगे, जिनको हम मेजर करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए, वो होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो कॉन्स्टेंट रहते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट में, जैसे हमने बोला कि प्रेशर को हमने कॉन्स्टेंट रख दिया या किसी भी चीज़ को हमने कॉन्स्टेंट रख दिया, तो वो होते हैं आपके कंट्रोल्ड वेरिएबल, नियंत्रित परिवर्ती, जो कॉन्स्टेंट रहते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के समय। लेकिन जिन पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिनको हम मेज़र कर रहे हैं, वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिन पर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जेंडर सेंसिटिव पैडागॉजी, ये क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनेगा जेंडर वाले से। देखिए जेंडर को आप CDP में भी पढ़ते हैं कि इक्वालिटी दी जाती है ना बॉयज़ ना गर्ल्स, मतलब इक्वालिटी वहाँ पर दिखी जो है वो रखी जाएगी। समावेशी कक्षा जो होती है एक तरह से वही चीज़ है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पर मिल रही हैं। एड्रेसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंट इन अ कैरिकुलम। देखिए जेंडर सेंसिटिव पैडागॉजी ये कहती है, लिंग संवेदनशील शिक्षण ये कहता है कि पाठ्यचर्या में जो प्रदर्शित लिंग रूढ़ी धारणा है उनको संबोधित करना। जैसे आप पुरानी पुस्तकें देखेंगे तो उनमें यही देखने को मिलता है कि कहानी आप देखेंगे तो आदमी जो है, मैन जो है वो ऑफिस जा रहा है, फीमेल जो है वो घर में खाना बना रही है। तो उन ये जो रूढ़ धारणा है उनको प्रदर्शित, जो रूढ़ धारणा है उनको संबोधित करना, उनको बताना कि नहीं ऐसा नहीं है। जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रही है वो बता सकती है, देखिए मैं एज अ टीचर हूँ, मैं भी तो वर्क कर रही हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बताना, उनको लेकर उन्हें संबोधित करना। फिर उसके अलावा यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज और जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। जब भी क्वेश्चन में आपको ये दिख जाए कक्षा कक्ष में अन्योन क्रिया के लिंग संवेदी भाषा का प्रयोग करना, तो आप समझ जाइएगा ये पॉजिटिव पॉइंट है। जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज जो है, जितने भी इशूज़ हैं उनको डिस्कस करना, जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज को क्लासरूम में बताना, ये सब पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आ जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए उसके अलावा जो वैज्ञानिक जांच पड़ताल हम करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें एक नॉर्मल क्रम होता है जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगी, अवलोकन होगा, मतलब वही जो आपने देखा उसको आप अपने सेंसेस के थ्रू समझेंगे। उसके बाद आप परिकल्पना करते हैं, हाइपोथाइजिंग करते हैं, एक सजेशन जो है वो रखते हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो वहाँ पर आप करेंगे, प्रयोग जो है वो फिर हम करते हैं जो हमने सोचा होता है। उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में हमारा जो कॉन्क्लूजन है, जो निष्कर्ष है, जो परिणाम है वो निकल कर आ जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। इस तरह से हमने ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो देखे साइंस में, इनको ज़रूर देख कर जाएं, इनसे पक्का आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।